जी हाँ, तुम देख सकते हो भाई जी आप बाड़ी बनाई से उसका की हाल चाल, की हाल हो गया। ठीक है, तो हम आप दोबारा इनू सैट कर लगे हैं, कंडे कुंडे ला लगे हैं, थोड़े जे एक दो टाणियाँ लाइया हजे, थोड़ी सैटिंग की है हजे, दोबारा वो सिरे तक कंडे लाने ने क्योंकि डंगर वगैरह तो जानवर वगैरह वह बढ़न लग गए, उरे जिन्ने बूटे लाए से सारे खराब करते। तो हम आप दोबारे फिर इसमें सैट कर लगे हाँ। हाँ जी, मैं किकर देख रहा तुम पहाड़ी किकर ये लगावे वड के। ओके जी, एक तो ना भाई यहाँ पे ना वो कीड़े से बहुत हैं, ये वाले बहुत छोटे छोटे से हैं। एक बार पहले भी मैं यहाँ पे कांटे वगैरह लगाने लगा था, बट सारे बदन पे मेरे ना ये कीड़े से चढ़ गए थे। ये वाले ये देखो, उसके बाद तो भाई बदन में खाज हो रही थी, कोई इतनी खाज हुई बता नहीं सकता। इसीलिए मैं थोड़ा सा देख कर काटे झाड़ियाँ काटूँगा, क्योंकि अगर एक बार ये चढ़ जाए ना तो बहुत गंदी खाज होती है यार, बदन लाल हो जाता है पूरा। हर साल यार इतने आ जाते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये देखो भाई, चोट भी लग गई मेरे तो। भाई यूं ही नहीं, कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है हर काम में। ये देखो भाई, ये कांटे वगैरह काटने तो हैं मेरे को, लेकिन अभी यहाँ पे ना कीड़े बहुत हैं जाले से ना बना के। अभी दिखाता हूँ आपको जाले से, जैसे बेलें होती हैं ना, बेल वगैरह पता ही होगी आपको। करेले की बेल तो पता ही होगी ना, जैसे करेले की बेल होती है ऐसे लटके होते हैं ये बेल जाले पे। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, भाई मेरे तो बदन पे खाज भी होने लग गई। पता नहीं कब कहाँ से गिर जाइए कीड़े। ये दिखाता हूँ, कोई ये देखो, फोकस नहीं हो रहा। ये देख रहे हो कैसे जाले से लटका हुआ है, ये छोटा सा। माइक्रो कर लेंस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये है हवा के कारण ना फोकस नहीं हो पा रहा, बट इसके जैसे ना ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे जालों पे लटके हुए, कब बदन में चढ़ जाए पता ही नहीं चलता। अभी तो मेरे बदन पे खाज भी होने लग गई, मुझे लगता है मेरे बदन पे चढ़ गया कोई कीड़ा। ये देखो एक ये आ गया नीचे यहाँ पे, एक तो छोटे छोटे से हैं दिखते भी नहीं हैं, ये देखो इसलिए डर लग रहा है भाई, क्या करूं। हर दरख्त पे है भाई, हर दरख्त पे, एक जगह नहीं है, हर दरख्त पे है। अब ये मैं सोच रहा था काटने को यहाँ से, लेकिन यहाँ पे भी है, पहले तो नहीं है थे,
ये अभी बहुत बहुत आ गए नीचे एक ही झटके में। इसी समय में आते हैं ये ज़्यादातर। भाई ये जब तक कम नहीं होता ना तब तक काम नहीं हो सकता यहाँ पे। जब तक ये कीड़े से कम नहीं होते ना या फिर आने बंद नहीं होते तब तक यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो कोशिश करता हूँ थोड़े से लगाने के लिए ना, ताकि ये पौधे बच जाएं, जैसे वो अमरूद के हैं और ये वाले। यहाँ से कवर कर देता हूँ ताकि जो गाय भैंसे आती हैं वो ना आए, है ना। चलो कोई बात नहीं, इतना ख़तरा तो लेना ही पड़ेगा। चलो करते हैं कोशिश काटने की, ठीक है। ये देखो भाई कचरा, लोगों का हाल देखो। ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ढेर लगा हुआ था तो मैंने इधर कर दिया। अगर किसी ने आग लगा दी ना तो ये सब जल जाएगा। पहले भी आग लगा दी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो भी है ना लकड़ें, ये सब लकड़ी सूखी है, कांटे वगैरह जो भी लगाए हुए हैं ये सब सूखी है। जड़ा सी आग सब ख़त्म कर देगी, फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अभी थोड़ा सा मैं ये जो कचरा है कागज़ वगैरह पॉलीथीन ये साइड पे कर दूं, फिर उसके बाद कांटे लगाऊंगा। ये देखिए ये वाले हमने काट दिए हैं। पिताश्री जी भी हमारे साथ आ गए हैं मदद करने के लिए, हमारे पिताश्री जी भी आ गए हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे ना जानवरों ने घर बना लिए बैठने के लिए। जो सूअर होते हैं ना पिग, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं फिर इधर घुस जाते हैं बाड़ी में। तो अभी हम इसको काट रहे हैं कि थोड़े बहुत लगा दिए हैं तो बाकी लगा रहे हैं अभी। ये लीजिए एक साइड तो हमने कवर कर दी, अभी उधर भी है, वहाँ पे भी है, बहुत सारी जगह पड़ी है। थोड़े से लगा दिए ताकि यहाँ से गाय भैंसे ना बढ़े, गाय भैंसे ना घुसें यहाँ से। ये देख रही है, ये हैं इनके बीज, ये बीज हैं इनके, ठीक है। तो ये सूख जाते हैं, जैसे ये पूरी की पूरी है ना लड़ी, ये पूरी की पूरी ही उग जाती है एक ही जगह पे। चलो बाकी जगह भी कवर करते हैं। ये लिए एक साइड आप हमने कवर कर दी है एक साइड, तो अभी ये वाला पहले, ये वाला बाद में करेंगे, पहले ये वाला करेंगे कवर। वो उस तरफ से काट लेंगे कांटे वगैरह, वहाँ से निकाल लेंगे। पिताश्री जी चले गए, क्योंकि वो भी थके हुए थे। तो नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो अभी रेस्ट कर लेंगे वो भी। तो ये वाला तो हो गया थोड़ा सा, ये तो पहले से मतलब भी झाड़ियाँ वगैरह उग गई, उनकी वजह से यहाँ से नहीं जानवर घुस पाते, लेकिन इधर से रास्ता बना लिया था उन्होंने ना एक वो उस दीवार की तरफ से। तो ये तो हमने बंद कर दिया अभी, अभी वो वाला बंद करेंगे उस तरफ वाला। तो ये वाले कुछ झाड़ियाँ कुछ कांटे जो काटे हैं ना, इनमें से छोटे छोटे करके उस तरफ लगाएंगे,
ठीक है, फिर बड़े बड़े काट के उसके ऊपर फेंकेंगे। ओके, ये देखो भाई यहाँ पे छत्ता लगा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो कितना बड़ा छत्ता लगा हुआ है। ये देखो भाई, इसको भी क्योंकि ये पेड़ है ना जो गिरा हुआ, ये काटना है तो उसको भी उड़ाना पड़ेगा। एक वहाँ पे जो येलो मक्खी होती है ना, ब्रिंड होती है ब्रिंड, उसका भी बहुत बड़ा छत्ता है। ये दोनों ही खतरनाक हैं। जब तक ये मक्खियाँ उड़ेंगी नहीं, मधुमक्खियाँ, तब तक हम इस पेड़ को काट नहीं सकते, उसका भी खतरा है। ये देखो थोड़े से लगा दिए, अभी थोड़े से और लगाएंगे, फिर उसके बाद खाना खा के फिर करेंगे काम, क्योंकि सुबह से लगा हुआ कम तक करीब 2 घंटे हो गए मेरे को लगे, ज़्यादा ही हो गए 2 घंटे से। यहाँ तक तो लगा दिया, अभी उस तरफ लगाएंगे थोड़े से जो काट के रखे हुए हैं ना वो लगा के, उसके बाद खाएंगे खाना, फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर दोबारा करेंगे काम, ठीक है? लो भाई यहाँ पे थोड़े से लगा दिए कांटे, ठीक है, इधर तो पूरी कवर कर दी, बट अभी ये ना नीचे बैठ जाएंगे कांटे, तो इसके ऊपर और झाड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। हाथों पे कांटे भी लग गए बहुत, पैरों पे भी, पर दिखा नहीं सकता क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है, ब्लड नहीं दिखा सकते ना। अभी बस इस साइड रह गया, थोड़े से लगा दिए, तो अभी जा रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद लगाएंगे। वो काट के रखे हुए हैं थोड़े से, तो उनके सही तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, या तो उस तरफ से काट के लाएंगे, नहीं या फिर यहीं से काटेंगे, या फिर उस तरफ है दूसरी तरफ है ना पहाड़ी किक्कर वो काटेंगे, क्योंकि ये वाला भी बंद करना ज़रूरी है। यहाँ पे ना भैंसे वगैरह लेकर आए हुए हैं लोग, वो इधर इधर आ जाती हैं, उनकी भैंसें घुस जाती हैं यहाँ पे आके, तो ये सारा बंद करना पड़ेगा, तभी हमारे ये पौधे बच पाएंगे। ये देखिए, ये पता नहीं नाशपाती का है या फिर आलू बुखारे का, और इधर अमरूद लगे हुए हैं 2, ये चल पड़े हैं। लुकाट के लगाए थे 2 पौधे, वो बेचारे चले नहीं, सूख गए। ये जो खड्डे देख रहे हो आप, यहाँ पे लगाए थे, और यहाँ पे चल रही है लीची अपनी, ये देखो ये लीची का पौधा है जो गर्मियों में चलती है, वो लीची है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। इधर भी पौधा लगा हुआ है, ये रहा, ये भी खा गए थे दूजा जो अपना जानवर होते हैं गाय भैंसे, ये वो येलो येलो से फूल होते हैं, ये आम का लगाया था भाई, पैद दोबारा फिर से होने लग गया है हरा, उंगरने लग गया दोबारा। और यहाँ पे जामुन लगी हुई है, वो भी 3-4 बार खा गई गाय भैंसे, पता नहीं कौन सा जानवर है, गाय या भैंस ने खाया। पौधे तो बहुत लगाए थे यार, ख़राब हो गए। यहाँ पे कचनार लगाई थी 2, वो चली नहीं। ये देखिए नीम,
ये नीम है, इस पर पता नहीं क्या हो गया, इसको ऊपर से सूख गई, नीचे से तो हरी है। ये हमारी करेले की बेल, ये भी सूख गई, ये सूअरों ने खोद दी, ये खा गई गाय। और ये वाली यहाँ पे नीम लगाई थी वो भी सूख गई, पता नहीं क्यों, शायद करेलों की बेल की वजह से। और ये पपीते हो रहे हैं, पपीते भी बहुत हो रहे थे, यहाँ पे भी हो रहे थे यार, वो जहाँ ये सूअरों ने ख़राब कर दिए। ये देखो भाई, कुदरत कुदरत दिखाता हूँ, ये देखो टूट चुका है, बिल्कुल बिल्कुल टूट चुका है, फिर भी ये हरा हो रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे लगा करके ना सेटिंग, इसको सीधा खड़ा करेंगे तो ये चल पड़ेगा। ये देखिए, ये पहले हरे पत्ते नहीं थे, ये दोबारा हो गए हैं, इसको जोड़ेंगे अभी। और ये था संतरे का पौधा, ये भी हो रहा है, संतरा है, मौसमी है, पता नहीं कौन सा है, लेकर तो संतरे का कह कर आए थे, बाकी पता नहीं कौन सा दिया है बंदे ने। यहाँ पे बहुत से पौधे लगाए थे यार, बस ये गाय भैंसे और ये सूअर वगैरह इन्होंने ख़राब कर दिए। ये देखो यहाँ से आते हैं लोग उस तरफ से, तो ये कंबल वगैरह पता नहीं किसने फेंक दिए यहाँ पे, रजाई है, कंबल है। ये कचरा इकट्ठा करके इसको भी आग लगानी है। यहाँ से घुसते हैं, ये देखो जानवर सूअर वगैरह यहाँ से घुसते हैं, ये भी बंद करना है रास्ता। उधर से थोड़े से कांटे लगा दिए, पर फिर भी वहाँ से घुसेंगे, वहाँ पे और लगाने हैं, यहाँ पे भी बंद करना है सारा, और ये भी काटना है। वही भी छत्ता दिखाता हूँ तुमको, मधुमक्खियों का, वहाँ से दिखाई नहीं दिया होगा, पास तो नहीं जा सकता। ये देखो कितना बड़ा छत्ता है भाई, कितना बड़ा छत्ता है, पहले छोटा सा था, अभी बहुत बड़ा हो गया। एक और दिखाता हूँ, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये देखो, ये देखो, ये दोनों ही खतरनाक है भाई। उनमें से एक भी छत्ते जैसे मक्खियाँ उड़ गई ना, तो दूसरी भी अपने आप उड़ जाएंगी, और फिर जो भी यहाँ पे आसपास होगा उसकी खैर नहीं, वो सीधा अस्पताल जाएगा। इसलिए मैं अभी इसके साथ पंगा नहीं ले रहा, अभी सर्दी आ जाएगी तो ये उड़ जाएंगी, फिर उसके बाद इसको काट देंगे। काटना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीधा ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको काट देंगे, ये जगह खाली हो जाएगी, फिर इस पे और पौधे वगैरह लगाएंगे। यहाँ से नीचे से साफ़ वगैरह करके ना, गंदगी जो भी है सब साफ़ करके यहाँ पे और पौधे लगाएंगे। चलो अभी चलते हैं खाना खाने, फिर उसके बाद शुरू करेंगे दोबारा का।